हेलो गाइस, क्या आप एक अच्छी क्रीम ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ऑयली स्किन वाले बहुत परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी क्रीम ढूंढना जिससे कि उनका फेस क्लीन दिखाई दे, सफल दिखाई दे, फेस अच्छा ग्लोइंग दिखाई दे। ऑयली स्किन वाले परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि कोई सी भी क्रीम लगाते हैं स्वेटिंग होने लगती है, अजीब सा फेस में कालापन आ जाता है। हमने फेस में जो मेकअप किया था या जो हम फेस में क्रीम लगाते हैं, वो क्रीम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी स्किन ग्लोइंग दिखाई दे, कुछ ब्राइटनेस भी दिखाई दे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बल्कि उसके बदले हो जाती है हमारा फेस ब्लैक। तो आज मैं जो आपको लैक्टोकैलामाइन के बारे में बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको आपको क्यों लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए और इसको लगाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देखना। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माई चैनल एक्शन स्प्रे। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा एक्शन स्प्रे का पूरा परिवार बहुत खुश है, अपना और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और आप चाहते हो एक सिंपल सी, सरल सी और रिजल्टफुल वीडियो देखना, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन, उसे भी दबा दो। तो मैं आपको बताती हूँ इस लैक्टोकैलामाइन के बारे में। इसमें होती है काओलिन क्ले, जिससे आपके फेस में स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, पैचेस हैं, सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये काओलिन क्ले इन सब चीजों को ढांकने के साथ साथ, यानी ऊपर से कवर अप करने के साथ साथ रिंकल्स को और पैचेस को खत्म करने का काम भी करती है, अगर आप इसका डेली यूज करते हैं। दूसरी बात कि इसमें होता है एलोवेरा जेल। ऑयली स्किन वाले परेशान होते हैं क्योंकि उनके फेस में एक्सेस ऑयल आता है, खत्म करने के साथ साथ एलोवेरा आपके फेस को मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, यानी आपका फेस में जो एक्सेस ऑयल आ रहा है उसको रिमूव करके आपके फेस को ग्लो मेंटेन करके रखता है, यानी मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। और इसमें थर्ड चीज जो पाई जाती है वो है जिंक ऑक्साइड, जिसमें एंटी जर्म्स प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनके फेस में बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो रिंकल्स की हो, पिगमेंटेशन की हो, दाग धब्बों की हो। एंटी जर्म्स प्रॉपर्टी होने की वजह से ये स्किन को बहुत क्लीन रखने का काम करता है। अब इसको लगाने का सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीका है कि आप अगर मेकअप कर रहे हो तो सबसे पहले अपना प्राइमर यूज कर लें, फेस को क्लीन करने के बाद। सबसे पहले फेस क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद अपना प्राइमर यूज करेंगे। प्राइमर यूज करने के बाद अगर आप लैक्टोकैलामाइन लगाते हो, फेस को एक मिनट के लिए रब नहीं करना है, हल्के हाथों से मसाज करने के बाद जब आप इसमें फेस पाउडर लगा लेते हो तो आपका मेकअप कंप्लीट दिखाई देता है और सुबह से लेकर शाम तक ये मेंटेन करके रखता है, आपके फेस को पूरा टाइम ग्लोइंग बना के रखता है, आपके फेस को काला नहीं होने देता है और शाम तक आपका फेस एकदम फ्रेश दिखाई देता है। अगर आप मेकअप करके बाहर जाना चाहते हो, इसके ऊपर आप लैक्टोकैलामाइन के ऊपर आप फाउंडेशन जैसी चीजें भी यूज कर सकते हो, यानी इसके ऊपर आप फुल मेकअप कर सकते हो। ये आपके मेकअप को बहुत टाइम तक मेंटेन करके रखेगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी थी और आपके लिए कुछ हेल्प कर सकती थी, तो फटाफट से एक लाइक कर दो। और ऐसे सिंपल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे इस तरह की सरल और सिंपल वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।